Now in today's class we will proceed with our next exercise, that is exercise 2.3. Exercise 2.3. Previous exercise se koi doubt nahi hai, right? Chalo. तो एक्सरसाइज 2.3 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन ऑफ फैक्टर। तो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई करता हूँ। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉलिनोमियल एक्स है, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल है। आप देख सकते हो सारे वेरिएबल क्या है आपके एक्स में है, एंड पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब जितने भी क्वेश्चन में पार्ट्स हैं सभी में आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको चेक करना है कि x प्लस वन इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं है। सभी पार्ट्स में हमें क्या चेक करना है कि x प्लस वन इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होगा उसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम। द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फैक्टर थ्योरम। इतनी बात समझ में आ गई, कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फैक्टर थ्योरम। अब देखो ये कंसेप्ट होता है क्या, देखो पहली बात तो आपको चेक करना कि x प्लस वन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो जिसको चेक करना है उसका जीरो फाइंड करना होता है। अगर मुझे चेक करना कि x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, तो स्टेप वन क्या होगा आपको जीरो फाइंड करना है। फाइंड जीरो ऑफ x प्लस वन। स्टेप वन क्या होगा, फाइंड जीरो ऑफ x प्लस वन। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फाइंड जीरो ऑफ x प्लस वन, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो देखो क्या जीरो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको जीरो कैसे फाइंड किया जाता है कि जिसका जीरो फाइंड करना होता है उसको इक्वल टू जीरो कर दो। जिसका जीरो फाइंड करना उसको इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो जो वैल्यू आई x की यही जीरो है, जो x की वैल्यू आई है यही आपका क्या है, जीरो है। तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैक्टर थ्योरम इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px देन x की वैल्यू क्या आई है, माइनस वन आई है ना, तो जो भी जीरो आया है देन p ऑफ माइनस वन जो है आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो सिंपल सी बात है, जो इसका जीरो है वो इसका भी जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर माइनस वन इसका जीरो है तो माइनस वन पुट करके ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। इतनी बात समझ में आ गई, अगर ऐसा होता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हो गया? तो हम क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ माइनस वन फाइंड करेंगे। नाउ p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। कोई डाउट? माइनस वन रेज टू पावर थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्योंकि पावर ऑड है आपकी। ये आपका हो जाएगा प्लस वन, वेरी गुड। ये माइनस वन, ये प्लस वन, तो कहना ही सही था, प्लस माइनस कैंसिल, ये जीरो आ गया ना। यानी कि जो इसका जीरो था वो इसका भी जीरो है। इसका मतलब क्या है, बिकॉज पी ऑफ माइनस वन आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, देयरफोर आप क्या कहोगे, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफोर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सेकेंड पार्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, थर्ड मैं करवा रहा हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या आपका, आपको पी एक्स की वैल्यू गिवन है x रेस टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। आपको कहा जा रहा है कि आप अगेन चेक क्या करना कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम स्टेप वन क्या होगा, जिसको चेक करना उसका जीरो फाइंड करो, जिसको चेक करना उसका क्या फाइंड करो, जीरो। तो अगर मैं x प्लस वन इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो जीरो तो हमें पहले से ही पता है कि यही है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही प्रोसेस, बाय फैक्टर थ्योरम
प्लस वन बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इज अ बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. क्या कहोगे? बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ इफ पी ऑफ माइनस वन जो जीरो आ रहा है उसको यहाँ पे पुट करके मीन जो इसका जीरो है वो इसका भी जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो चलो चेक करते हैं. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे नाउ p of minus 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वन रेस टू पावर 4 प्लस 3 माइनस वन रेस टू पावर 3 प्लस 3 माइनस वन रेस टू पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके. अब देखो माइनस वन रेस टू पावर 4 क्या हो जाएगा? 1. माइनस वन रेस टू पावर 3 ऑड है तो माइनस वन इंटू 3 क्या हो जाएगा? माइनस 3. माइनस वन रेस टू पावर 2 1 और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3. तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया प्लस वन. अब चेक करो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो रही हैं. तो देखो 1 और माइनस वन कैंसिल, ये कैंसिल, लेकिन ये तो बच गया. तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इम्प्लाइज पी ऑफ माइनस वन जो है इट्स नॉट इक्वल टू जीरो. ये मेरा जीरो के इक्वल नहीं आया. तो क्या ये इसका फैक्टर है फिर? नहीं है. तो आप क्या कहोगे? बिकॉज पी ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफोर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अब देख लो कोई डाउट है तो. एक्स प्लस वन क्योंकि क्वेश्चन में इसी को चेक करना है. एक और क्वेश्चन पढ़ो. जो लास्ट फोर पार्ट है. हाँ जी. फोर पार्ट नहीं 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 अभी हमने थर्ड पार्ट किया ना. आप क्वेश्चन पढ़ो क्या. डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर. तो सभी में चेक करना कि क्या एक्स प्लस वन इन सभी पार्ट्स का फैक्टर है. तो जिसको चेक करना उसी का जीरो निकाला जाएगा. और कोई डाउट? क्लियर है? नाउ पार्ट फोर. पार्ट फोर में जो पॉलिनोमियल आपका वो क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. और पार्ट फोर आपका इंपॉर्टेंट भी है तो मैं इसमें स्टार बना देता हूँ. पी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो अगेन फैक्टर थ्योरम. आपको चेक करना कि x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं. तो जिसको चेक करना उसका जीरो निकाला वो यही हो गया माइनस वन. तो बाय फैक्टर थ्योरम अगर ये इसका जीरो है तो p ऑफ माइनस वन. तो अब हम फाइंड करेंगे p ऑफ माइनस वन. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस वन. तो ये हो जाएगा माइनस वन रेस टू पावर 3 देन माइनस माइनस वन रेस टू पावर 2 देन माइनस टू प्लस रूट टू फिर x की जगह माइनस वन और प्लस में क्या आ जाएगा? रूट टू. प्लस में क्या आ जाएगा? रूट टू. माइनस वन रेस टू पावर 3 क्या हो जाएगा? माइनस वन. माइनस वन रेस टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 1. तो प्लस माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस इस समझ में आ गया माइनस. चलो पहले मैं इसको प्लस कर देता हूँ. माइनस माइनस ये हो गया प्लस. ब्रैकेट में क्या है? 2 प्लस रूट टू और प्लस हो गया रूट टू. अब ये क्या हो जाएगा? माइनस वन हो गया माइनस टू. प्लस में हो गया 2 फिर प्लस में आ गया रूट टू और प्लस में आ गया रूट टू. देखो ये तो हो गया कैंसिल. ये वैल्यू तो आपकी क्या होगी? कैंसिल. लेकिन रूट टू प्लस रूट टू क्या हो जाएगा? 2 रूट टू. तो ये हो गया 2 रूट टू. इसका मतलब क्या? दैट इज पी ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब ये जीरो के इक्वल तो है नहीं. इसका मतलब क्या? देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. कोई डाउट है तो बताओ. देख लो एक बार. क्वेश्चन का जो होमवर्क है वो है आपका पार्ट टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अब इसमें दो पॉलिनोमियल है. एक पॉलिनोमियल है जी एक्स और दूसरा क्या है? पी एक्स. हमें चेक करना है जो जी एक्स पॉलिनोमियल है क्या वो पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है. जैसे कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट पी एक्स क्या है आपका? पी एक्स इज 2x³
एक्स इज 2x³ प्लस x² प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आपको क्या चेक करना है, क्या ये जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है? तो मुझे जीरो किसका फाइंड करना होगा, जी एक्स का। अगर मुझे चेक करना है ये इसका फैक्टर है, तो मुझे पहले इसका जीरो निकालना पड़ेगा, और जो इसका जीरो आएगा अगर वो इसका भी जीरो हुआ तो यस ये इसका फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रफली एक्स प्लस 1 का जीरो निकाल देते हैं, ये रफली काम करना होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। ठीक है, अब लिखना कैसे, जैसे अभी लिखा था, बाय फैक्टर थ्योरम। आप कहोगे जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कि जी एक्स इसका फैक्टर होगा इफ क्या है, एफ जीरो माइनस वन, इफ पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो। इफ पी ऑफ माइनस वन किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, नाउ पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 रेस टू पावर 3 प्लस माइनस 1 रेस टू पावर 2 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1। कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1 रेस टू पावर 3 हो गया माइनस 1, माइनस 1 रेस टू पावर 2 हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, और ये हो गया माइनस 1। अब ये हो गया आपका माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, और 2 और माइनस 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया ना 0। ठीक है, तो 0 आ गया, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, therefore gx is a factor of px। देख लो एक बार, कोई डाउट है तो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 2, वैल्यू ऑफ px, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है, वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, ये क्लियर हो गया? ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वैल्यू ऑफ जी एक्स इसके इक्वल है आपका एक्स प्लस 2 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है तक? ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ, इसका जीरो निकाल लेते हैं। तो जब आप एक्स प्लस 2 का जीरो निकालोगे, तो एक्स प्लस 2 को इक्वल टू जीरो रखोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आप कहोगे इफ पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ माइनस 2, तो पी ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 रेस टू पावर 3 प्लस 3 माइनस 2 रेस टू पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है अंदर? ठीक है, माइनस 2 रेस टू पावर 3 ये हो गया माइनस 8, माइनस 2 रेस टू पावर 2 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 12, और ये हो गया माइनस 6, ये हो गया प्लस 1। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है अंदर? ठीक है, चलूँ। अब देखो ये 12 प्लस 1 13 और 8 और 6 14 और माइनस का आएगा माइनस 14, तो ये तो माइनस 1 आ रहा है, तो क्या ये जीरो के इक्वल आया? तो आप कहोगे बिकॉज पी ऑफ माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? ठीक है, थर्ड पार्ट हो जाएगा, देखो हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड होमवर्क में रहेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखो आपको चेक करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि x माइनस 1 जो फैक्टर है, अब आपको कहा जा रहा है अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है तो इन सभी केसेस में k की वैल्यू क्या होगी। तो पहला तो सिंपल है, मैं सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क में लिख लो। पी एक्स है आपका वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। आपको कहा जा रहा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, आपको क्या कहा जा रहा है x माइनस 1, यही कहा जा रहा है ना। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो पहले तो इसका जीरो निकालते हैं, तो x माइनस 1 को अगर मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 1 प्लस 1 आएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो इसका जीरो फिर वो इसका जीरो, तो आप कहोगे बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम। तो क्या आप एग्री करते हो बाय फैक्टर थ्योरम पी ऑफ 1 जीरो के इक्वल होना चाहिए, बाय फैक्टर थ्योरम, भाई ये इसका फैक्टर है तो पी ऑफ 1 जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये बात क्लियर है, ठीक है। विच इम्प्लाइज 2 इंटू जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट करो 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2, यह किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जीरो के, तो ये क्या हो गया 2 प्लस के प्लस रूट 2, ये भी जीरो के इक्वल, तो के किसके इक्वल होगा प्लस 2, यहाँ जाएगा तो क्या माइनस 2, प्लस रूट 2 यहाँ जाएगा तो माइनस रूट 2, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आंसर क्या होगा माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 2। इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो के की वैल्यू क्या होगी माइनस विद इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। अब आराम से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, जिस भी स्टेप में डाउट है वो पूछ सकते हो। सेकेंड लास्ट वाला, ये प्लस 2 था यहाँ जाके हो गया माइनस 2, ये प्लस रूट 2 था यहाँ जाके हो गया माइनस रूट 2, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो विद इन द ब्रैकेट साइन उल्टा, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया तो जो माइनस था वो बन गया प्लस, जो माइनस था वो भी बन गया प्लस। जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस आता है तो जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस होगा तो प्लस, ये भी माइनस था ये भी प्लस, प्लस होता तो माइनस हो जाता। और कोई डाउट, चले आगे। क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 रूट वाले जो पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। अगेन पार्ट 3 में पी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अगेन क्या कहोगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम। इसका जीरो वन ही आएगा, इसका जीरो क्या आएगा वन आएगा, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम पी ओ 1 किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल होना चाहिए, विच इम्प्लाइज ये हो गया के एक्स की जगह क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स की जगह क्या होगा 1 प्लस 1, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो ये हो गया आपका के, ये हो गया माइनस रूट 2, ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू क्या होगा प्लस 1 को यहाँ ले जाओ माइनस 1 और माइनस रूट 2 को यहाँ ले जाओ, पहले इसको यहाँ ले जाते हैं, माइनस रूट 2 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2, फिर प्लस 1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो बस यही आपका आंसर है। आपको डाउट है तो देख लो। नाउ पार्ट 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स। अगेन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है और x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो पी 1 किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल होना चाहिए, पी 1 किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो पी 1 जीरो के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इट इम्प्लाइज k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू जीरो, के प्लस के कितने के हो गए 2k, दो हो गए ना के, माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया जीरो, माइनस 3 को यहाँ लेके जाओगे तो क्या होगा इट इम्प्लाइज 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू
थ्री, ये मल्टीप्लाई है यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो पार्ट टू जो है आपका होमवर्क में, बाकी सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन आपने क्लास एट में भी सीखा है, राइट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फर्स्ट पार्ट है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1, माइनस 7x प्लस 1। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब ध्यान से समझना, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो x² का कोफिशियंट है और जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। x² का कोफिशियंट क्या है 12, कांस्टेंट क्या है 1, 12 इंटू 1 क्या हो गया 12, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। फिर 12 का एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम आता है निकालना, कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3, पुट आउट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये है माइनस 7x, ये क्या है माइनस 7x, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितने नंबर है, 1 को छोड़ के कितने नंबर है, 3 नंबर है, यानी कि 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है। इन 3 नंबर को आपको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है इस तरह से कि प्लस माइनस करके ये बन जाए माइनस 7, प्लस माइनस करके क्या बन जाए माइनस 7। कैसे करोगे, देखो मैंने कहा भैया 2 को 2 से 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, या फिर इसको भी छोड़ दो, 2 2 जा 4 और 3, दो नंबर बन गए। अब अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो आएगा प्लस 7, क्या आएगा प्लस 7, लेकिन मुझे क्या चाहिए माइनस 7। तो आइडियली क्या करना है, दोनों को माइनस का कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके ये विद साइन भी यही आना चाहिए। समझना है भाई, जब आपने इसका एलसीएम निकाला आपके पास 3 नंबर आए 2 2 3, 1 की नीड है नहीं, 1 को छोड़ दो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे आप 2 को 3 के साथ कर दो। आपको दो नंबर बनाने होते हैं, जैसे 3 नंबर है तो 2 कैसे बन गए, कोई भी 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी के जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करता है करते हैं, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, और 3 तो बन रहा है 7, लेकिन ये बनेगा प्लस का, मुझे चाहिए माइनस का 7, तो मैंने दोनों को माइनस का कर दिया। इसका मतलब ये जो मिडल टर्म है इसको आपने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। माइनस 7x को मैं क्या लिखूंगा, माइनस 4x और माइनस 3x, साथ में x है ना तो x के साथ लिखोगे। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, किया ना क्लास 8 में आपने। चलूँ आगे, अब इसको लिखोगे कैसे, इट विल बी इक्वल टू 12x², तो माइनस 7x को आप लिखोगे माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 4x आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 4x, और ब्रैकेट में क्या आएगा 3x, माइनस में क्या आएगा 1, 4x कॉमन, ब्रैकेट में 3x, माइनस में 1, फिर क्या कॉमन आएगा माइनस 1, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 3x और माइनस 1, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका 3x-1, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3x-1, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3x-1, और ये हो गया 4x-1, ये क्या हो गया 4x-1, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, तो फैक्टर भी कितने आ गए 2, ये आपका आंसर है। एक बार देख लो, कुछ पूछते हैं, ये मैं सारे पार्ट करवाऊंगा, और आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ भी इसको करना है, तो कम से कम 7-8 बार करेंगे हम इस क्वेश्चन को, पहले ये क्लियर हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट टू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट टू, पार्ट टू इज 2x² प्लस 7x प्लस 3, पार्ट टू इज 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो 2x² प्लस 7x प्लस 3, पहला मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया, जो x² का कोफिशियंट है और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 6, फिर इसके फैक्टर बनाओ, एलसीएम करो, जैसे एलसीएम लेते हैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो आपके पास आ रहा है 2 और 3। अब 2 और 3 को मैं प्लस भी कर दूँ तो भी 7 नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ मुझे 1 को भी लेना पड़ेगा, अगर उन दोनों से नहीं बनेगा तो हम फिर 1 का यूज़ करते हैं। अब देखो,
अब मुझे मेरे पास तीन नंबर हैं 2, 3, 1। अब इस पे इन तीन नंबर को दो नंबर में कन्वर्ट करना है इस तरह से कि प्लस या माइनस करके प्लस 7 आ जाए। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, 2 × 3 तो 6 हो जाएगा और 6 + 1 = 7 हो जाएगा, तो बन गया। आगे समझ में? ठीक है, तो 7x क्या हो गया आपका, एक तो हो गया 6x और प्लस 1 × x, मैंने पहले भी बताया था उसको x ही लिखा जाता है। 1 × x को क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है। तो 6x + x हो गया ना 7x, आया कुछ समझ में, क्लियर आया था? ठीक है, तो 1 की नीड कब पड़ती है, जब बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 6 ही बनेगा मैक्सिमम, मुझे 7 चाहिए। तो जब वो कम पड़ जाता है तब हम 1 को एज ए थर्ड फैक्टर लेते हैं। समझ में आ गया? अदरवाइज प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा 1 की नीड नहीं है, वैसे ही अगर बन जाए तो 1 को नहीं लेते हैं। अगर बाकी फैक्टर से बन रहा है, मिडिल डस्ट फिटिंग हो रही है, तो 1 की जरूरत नहीं होती है। अगर फैक्टर 4 और 5 बनाने हमें 2 ही होते हैं, बनाने हमें 2 ही है, जितने मर्जी हो जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 में ही कन्वर्ट करना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि मिडिल डस्ट फिटिंग 2 में स्प्लिट होगा ना, तो ये हो गया 2x² प्लस में क्या हो गया 6x प्लस में क्या हो गया x प्लस में क्या हो गया 3। अब यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2x, बचा क्या x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। कैसे? आपने ये देखा, अब मैंने कॉमन लिया, देखो पहले आपको ये देखना है कि 6 और 2 के टेबल में कॉमन क्या है 2। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x तो मैं दोनों से ले सकता हूँ, तो ले लिया। अब 2 भी बाहर आ गया 2x में से 1x, तो यहाँ से तो बचा 1x। 2 के टेबल में 6 किस पर आता है, 3 पर आता है, x आपका कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ गया 1, ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 3, ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 3। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया x प्लस 3 कॉमन फैक्टर, और ब्रैकेट में क्या आ गया 2x + 1, ब्रैकेट में क्या आ गया 2x + 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, दो फैक्टर आ गए आपके पास, कहानी क्लियर है? देख लो, पार्ट थर्ड इज 6x² + 5x - 6। पार्ट थर्ड इज 6x² + 5x - 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो अगेन x² का कोफिशियंट 6 और 6 कितना हो गया 36, मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 6 क्या हो गया 36। 36 के फैक्टर बनाओ, ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ये हो गया 2 × 9 = 18, ये हो गया 3 × 3 = 9। ये देखो जो आप कह रहे थे ना, अब देखो 1 को छोड़ के भी 4 फैक्टर आ रहे हैं, वो आ रहा है 2, 2, 3, 3। अब इन चारों को ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट करना है कि प्लस 5 आ जाए। क्या आ जाए? प्लस 5। तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 4, प्लस 5 चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ 9 - 4 = 5 होता है। आगे समझ में? जितने मर्जी हो दो में ही कन्वर्ट करना होता है, इस तरह से करना होता है कि प्लस माइनस करके विद सेम साइन आना चाहिए, प्लस 5 है तो प्लस 5 ही आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया आपका 6x² + 5x क्या हो जाएगा 9x - 4x - 6, क्या हो जाएगा -6। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, 3x क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2x + 3। अगर आप सही कर रहे हो, कॉमन ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो हमेशा सेम आएगा। देखो -2 कॉमन लिया मैंने, -2, अब -2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए 2, और मैंने कहा था माइनस कॉमन आएगा तो अंदर का साइन अपोजिट होगा, अगर ये नेगेटिव टर्म है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही आपको पता है माइनस को तो पहले प्लस लिखना ही लिखना है बस। अब आप ये देखो 2 के टेबल में 6 किस पर आता है 3 पर आता है, और ये भी 2x + 3, ये भी 2x + 3, तो ये वाला स्टेप में ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है आपका सेम आना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? तो क्या आ जाएगा 2x + 3, और ये हो जाएगा आपका 3x - 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो व्हाट वी विल हैव, ये आपका आंसर हो गया। डिग्री कितनी थी 2, तो दो फैक्टर आ गए।
दो क्या आ गए, फैक्टर आ गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ पार्ट फोर, पार्ट फोर इज 3x² - x - 4। पार्ट फोर इज 3x² - x - 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जी, 3x², 4 3 = 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि माइनस वन आ जाए। माइनस एक्स का मतलब माइनस वन। तो पहले तो 2 6 = 12, फिर 2 3 = 6, फिर 3 1 = 3। अभी 1 को छोड़ के कितने फैक्टर आ गए? 3 आ गए, 2 2 3। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि 2 2 = क्या होता है, 4 और 3। और मुझे पता 4 और 3 माइनस वन चाहिए। अगर मैं 4 - 3 करूँगा तो प्लस वन आएगा। वेरी गुड, -4 + 3। तो कैसे लिखोगे? इट विल बी इक्वल टू 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, एक तो 3 कॉमन नहीं आ सकता। अब ये काम आप ये भी कर सकते हो देखो, या फिर अगर वैसे नहीं करना है तो देखो, ये 3x² है, आपको पता 3 3 के साथ कॉमन आ जाएगा, 4 4 के साथ कॉमन आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x², इसको इसके साथ लिख दो, +3x - 4x और -4। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 1। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -4, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 1। अगर माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में प्लस आता है। ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका x + 1 और ये हो गया 3x - 4। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट इज px = x^3 - 2x² - x + 2। ठीक है। अब देखो कितने फैक्टर निकालने हैं आपको, 3। कितने फैक्टर निकालने हैं, 3। ठीक है, मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको ये एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 निकालना, 3 वाले का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके आओगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी इसी तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा हैवी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप ये देखो कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या है, वो है 2। 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 किस चीज़ के टेबल में आएगा, या तो 2 1 के टेबल में आएगा या 2 2 के टेबल में आएगा। इट मीन्स 1 का मतलब हो गया +-1, जो भी आए जिसके टेबल में आएगा उसको प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। 2 के टेबल में अगर आएगा तो प्लस माइनस, इसका मतलब या तो +1 या -1 या +2 या -2, इसका एक फैक्टर होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। मैंने क्या अप्लाई किया, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल में क्या होता है, हम एक एक करके इन वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू पर ये जीरो बनेगा। तो पहले मैं पुट कर रहा हूँ 1, तो मैंने लिखा पुट x = 1। ये बात समझ में आ रही है, पुट x = 1। तो x की जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 raised to power 3 - 2 1 raised to power 2 - 1 + 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 - 2 - 1 + 2। तो ये देखो जीरो आ गया ना, तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे बिकॉज p1 = 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं प्लस, देखो x की जगह 1 पुट करके आया ना 0, तो जब ये 0 को यहाँ लेके जाओगे तो ये फैक्टर बन जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना, 1 इसका 0 है, ये तो क्लियर हो गया ना, 1 इसका 0 है, क्योंकि 1 पुट करके 0 आ गया पॉलीनोमियल। तो जो पॉलीनोमियल का 0 होता है अगर उसको x के पास लेके जाओ तो वो फैक्टर बन जाता है। अब सिर्फ ये बताओ +1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 x - 1, तो वो इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज x - 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px,
एक्स माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ऑफ पी एक्स। टोटल कितने फैक्टर आएंगे यहाँ पे? तीन। एक आ गया, क्या आ गया? एक्स माइनस वन। पहला फैक्टर हमेशा कैसे निकाला जाता है ऐसे क्वेश्चन में? हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे निकाला जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। जो कांस्टेंट है वो किस किस के टेबल में आता है? जिसके टेबल में आता है वहाँ प्लस माइनस लिखो, और एक एक करके फिर हम इसको पुट करके वो वैल्यू निकालते हैं जिस पर जो इसका जीरो होगी। अभी एक निकाला ना, बाकी दो निकालेंगे, ये पहला स्टेप है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? चलो मैं आगे। ठीक है, चलो जी। तो आपने एक फैक्टर फाइंड कर लिया, कर लिया ना फैक्टर, ठीक है। अब फोर रिमेनिंग फैक्टर, फोर रिमेनिंग फैक्टर। अब रिमेनिंग फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस वन को पी एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप कह रहे हो ये इसका फैक्टर है तो ये इसको पूरा डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब जैसे 4 8 का फैक्टर है, 4 2 जा 8 पूरा होता है। अगर आप कह रहे हो ये इसका फैक्टर है तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। पहला स्टेप क्लियर हो गया। बाकी के फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस वन को डिवाइड करेंगे पी एक्स से, ठीक है। या आपको ये लाइन नहीं भी लिखनी है तो अभी आप ऐसे लिखो, ये आपका आ गया ना वन ऑफ द फैक्टर। अब आप लिखोगे नाउ नाउ, और आप सीधा इसको डिवाइड करो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स रेस टू पावर थ्री। आप उसको लिखो एक्स रेस टू पावर थ्री। फर्स्ट टर्म क्या है? x डिवाइड कर रहे हो ना, इसको नीचे लिखो एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। डिवाइड करते हैं तो पावर सेम, डिवाइड करने पर अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है। तो ये आपने कहा सर ये एक्स स्क्वायर होगा, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? अब जितनी भी टर्म है एक एक करके पहले सबको इससे मल्टीप्लाई करो। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल होनी चाहिए। क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप नीचे वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लोगे। हाँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब जो प्लस है वो क्या हो जाएगा minus. और जो माइनस है वो प्लस। अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं होगी तो माइनस कॉमन ले लोगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता सभी के साइन अपोजिट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलूँ मैं आगे। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस टू, अभी एक्स स्क्वायर छोड़ दो, माइनस टू प्लस वन। अगर सिर्फ एक्स हो तो उसके आगे वन होता है, माइनस टू प्लस वन माइनस वन ही होगा ना। और फिर जो भी है उसको लिख दो। कोई डाउट? बाकी की जो भी वैल्यूज है उनको लिखो, माइनस एक्स प्लस टू। यहाँ तक कोई डाउट? दोबारा बताओ। पर हमने एक्स को ही पहले से डिवाइड किया। ये पहला वाला एक्स है ना? हाँ, इसको हमने एक्स थ्री से डिवाइड किया। हाँ, पहली जो भी टर्म होगी इसकी वेरिएबल टर्म, और जो इसका फर्स्ट वेरिएबल होगा उसको डिवाइड कर दोगे। जो वैल्यू आएगी यहाँ जितनी भी टर्म्स होगी एक एक करके उन सबको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे दो हैं तो दोनों को करोगे। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया कैंसिल। हाँ, दो है ना तो दो को करोगे। तीन होती है यहाँ पे तो तीनों से करते हैं। यहाँ पे जितनी टर्म्स होगी एक एक करके सबको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे। फिर ये करना होता है कि पहली टर्म कैंसिल होनी चाहिए। अगर वो कैंसिल नहीं हो रही है तो माइनस कॉमन ले दो, यानी कि साइन अपोजिट कर दो। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर जो वैल्यू आएगी बाकियों को उसके साथ लिख दो। चलूँ आगे। सेम प्रोसेस दोबारा। अब फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से तो फर्स्ट टर्म एक्स ही रहेगी, बेस सेम है, तो
पावर क्या होगी माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये क्या हो गया माइनस एक्स, कोई डाउट? तो यहाँ आपने लिखा माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखा माइनस एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस वन इंटू माइनस एक्स क्या हो गया प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, पहले तो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, अब हुआ क्या ये अपोजिट साइन हो गया, अब इसका साइन ये नहीं है, अब इसका साइन ये है और इसका साइन ये है, तो ये कैंसिल हो गया ना, यही हमें करना था, माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स, और ये हो गया प्लस टू, कोई डाउट है तो बताओ, ये स्टेप भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है माइनस टू एक्स, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, अब ये कितना आ रहा है माइनस टू आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस टू, तो यहाँ पर आप लिखो माइनस टू, यहाँ पर आप लिखो माइनस टू, कोई डाउट? माइनस टू इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू, तो माइनस का क्या प्लस, प्लस का क्या माइनस, ये क्लियर हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, होना भी चाहिए था क्योंकि आप कह रहे हो ये इसका फैक्टर तो रिमाइंडर जीरो ही आना चाहिए था, यहाँ तक कोई डाउट? स्टेप टू समझ में आ गया? दोबारा बताऊँ पक्का? बोलना तो बताओ, दोबारा बताया तो सबसे पहले क्या किया, हाँ मतलब मेन चीज़ है कि ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए जीरो। अच्छा, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है मैं उसको लिख लेता हूँ, डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक बार देख लो अच्छे से, कोई भी स्टेप पूछना है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री तो पूछ सकते हो, स्टेप सारे सेम। चलूँ मैं आगे, ठीक है, इसलिए मैंने कहा आज मैं एक ही पार्ट कराऊंगा इसका, एक बार आप घर से प्रैक्टिस करके आना। अब आते हैं स्टेप थ्री में, अब आते हैं स्टेप थ्री में, चलो हाँ ये स्टेप टू था, स्टेप वन हिट एंड ट्रायल मेथड, स्टेप टू डिवाइड करके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो बन गया क्वाड्रेटिक, क्यूबिक से क्या बना दिया क्वाड्रेटिक। अब आते हैं स्टेप थ्री, अब आप कहोगे नाउ फोर रिमेनिंग फैक्टर, फोर नाउ फोर रिमेनिंग फैक्टर्स, रिमेनिंग फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको फैक्टराइज करना, क्या कहा आपने फोर रिमेनिंग फैक्टर वी विल फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, कोई डाउट? क्लियर है तक? ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करोगे अभी बताया, मिडल्टन स्प्लिटिंग, तो स्टेप थ्री जो है आपका वही है मिडल्टन स्प्लिटिंग वाला। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट वन, वन इंटू माइनस टू टू, टू के फैक्टर बनाऊंगा टू वन जा टू वन वन जा वन, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है टू और वन, टू और वन से मुझे माइनस वन बनाना है, तो क्या करूँ माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया? तो कैसे लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, वन के साथ एक्स हो तो प्लस एक्स लिखा जाता है और साथ में क्या हो जाएगा माइनस टू, कोई डाउट? यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू, यहाँ से कॉमन क्या आएगा वन, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वन कॉमन, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, दोनों से कॉमन फैक्टर क्या आएगा एक्स माइनस टू, दोनों से कॉमन फैक्टर क्या आएगा एक्स माइनस टू, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, दे रहे हैं तक? ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, टोटल कितने फैक्टर चाहिए हमें तीन, कितने चाहिए तीन, एक तो पहले निकाल दिया था एक्स माइनस वन, दूसरा क्या हो गया एक्स माइनस टू, एंड थर्ड क्या हो गया एक्स प्लस वन, ऐसे करना है। पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल मेथड,
दूसरा स्टेप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को डिवाइड करके क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक है उसको क्वाड्रेटिक बनाना। तीसरे स्टेप में वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से बाकी के दो फैक्टर्स निकालना है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सारा अब आपको प्रैक्टिस करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो डाउट्स होगा वो, और यहीं से हम शुरू करेंगे। हाँ, ये आपका हैवी क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा ना इसमें नहीं, आराम आराम से करना है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पूरी इसी में लगाऊंगा, ठीक है? चलो, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।